एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेटेड क्वेश्चंस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लाई ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को लिया था और उसे हमने सॉल्व करने की कोशिश किया था, और आपने देखा उस क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। उसी क्रम में हम थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को लेके आए हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। आइए, हमने ऑलरेडी बोर्ड पे दो क्वेश्चन राइट कर दिए हैं जो आपके टेस्ट बुक से रिलेटेड है, जो आपके टेस्ट बुक में दिए हुए हैं, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 673 मल्टीप्लाई बाय 68 प्लस वंस अगेन ब्रैकेट 673 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड माइनस 673 मल्टीप्लाई बाय 60। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, आइए देखते हैं कैसे। देखेंगे जो थ्री हमारे ब्रैकेट्स दिए गए हैं, इन थ्री ब्रैकेट्स में एक ऐसा नंबर है जो सभी में दिया गया है 673 एंड 673। ये क्या है, कॉमन। तो 673 इसमें हम कॉमन ले लेंगे और बाकी के जो नंबर है उनको हम ब्रैकेट में रख देंगे। तो 86 प्लस 24 एंड माइनस 60, क्लियर है। 673 को हमने इसमें कॉमन ले लिया है क्योंकि 673 तीनों ब्रैकेट में दिए गए हैं। सभी ब्रैकेट में हमारा 673 नंबर दिए गए हैं जिसको हमने क्या किया, कॉमन लेकर के एक साइड में कर दिया है। बाकी के जो नंबर बचे हैं उन्हें हमने ब्रैकेट में वैसे ही ड्रॉ कर दिया है। जैसे देखिए 86 प्लस 24 माइनस एंड 60, इज इट क्लियर। एंड नेक्स्ट वर्क इज दैट इज वंस अगेन 673। अब ब्रैकेट के अंदर के जो क्वेश्चन है, जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 86 प्लस 24 एंड माइनस 60, यानी पहले क्या करेंगे, पहले हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, 86 प्लस 24 6 4 10 0 1 कैरी 8 2 10 and 11 110 माइनस 60, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज 673 एंड 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 15, क्लियर है। इज इक्वल टू 673 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो को डाउन कर देंगे क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 3 50 5 1 carry 5 7 35 and 1 36, ओके 6 3 carry and 5 6 30 and 3 33। नाउ योर आंसर इज 33,650, इट इज योर आंसर। क्या क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे 673 मल्टीप्लाई बाई 86 प्लस 673 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 673 मल्टीप्लाई बाई 60। डियर स्टूडेंट, सभी ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, जो सब में दिया हुआ है, क्या 673। इसी 673 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, एक साइड में निकाल दिया है, बाकी के जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको हमने ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया है, राइट कर दिया है। मीन्स 86 प्लस 24 एंड माइनस 60, 86 यहाँ पे है उसको भी ड्रॉ कर दिया, 24 यहाँ पे दिया उसको भी ड्रॉ कर दिया, एंड 60 जो दिया है उससे भी हमने क्या किया है, ड्रॉ कर दिया है अकॉर्डिंग टू साइन। जो नंबर के पहले साइन दिए गए उनको हमने उसके साथ राइट कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों नंबर को हमें ऐड करना है क्योंकि हमें बोर्ड पास थ्योरी पे चलना है। पहले हम अगर डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस फार्मूले पे हमें बने रहना है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दो ही चीज है, यह एक ऐड दिया है और दूसरा सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो दोनों में से क्या पहले करना है, पहले हमें ऐड का वर्क करना है, यानी 86 प्लस 24 इज इक्वल टू 110 एंड माइनस 60। अब हमारा वर्क क्या होगा, सब्ट्रैक्ट का हो गया जो 1 ही 1 बचा हुआ है, तो 110
इज इक्वल टू 5673 में इसी 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट फाइंड द करेक्ट आंसर इज 33650 एंड ये स्टूडेंट 33650 इज द सफिशियंट आंसर इज द करेक्ट आंसर ओके डियर स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है ताकि समय की बचत हो सके और बहुत ही कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टेकअप कर सके तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है 74 × 126 − 74 × 32 and 74 × 16 सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है थोड़ा सा ध्यान देना है और कैसे भी इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा सलूशन जो होगा वो आप जानते हैं बहुत ही इजी होगा क्योंकि हम जिस फार्मूले को यूज में ला रहे हैं उस फार्मूले को उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मल्टीप्लाई ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट में हमने क्वेश्चन नंबर राइट किया हुआ है जैसे 74 × 126 सेकंड ब्रैकेट में लिखा है उससे पहले माइनस लगाया है 74 × 32 एंड लास्ट ब्रैकेट में जो नंबर दिया गया है वो है 74 × 16 डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्यूशन पे चलेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है 74 सभी ब्रैकेट में कॉमन है इसलिए हम उसको एक तरफ निकाल लेंगे 74 सबसे पहले नंबर चाहे तो फिर से क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं 74 × 126 − 74 × 32 + 74 × 16 क्लियर है हमने एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को राइट कर दिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो अब ये स्टूडेंट हम 74 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 74 तीनों ब्रैकेट में दिया हुआ है आइए 74 को बाहर निकाल लेते हैं बाकी जो नंबर है उन्हें ब्रैकेट में ही रहने देते हैं जैसे 126 − 32 + 16 इज इट क्लियर क्या किया हमने यहाँ पे 74 को हमने कॉमन लेकर के एक तरफ निकाल दिया है बाकी जो नंबर दिए गए हैं उन्हें हम ब्रैकेट में उसी तरीके से रहने दे रहे हैं जैसे ब्रैकेट नंबर आप क्या है 126 है −32 को राइट किया एंड प्लस 16 को राइट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया अब डियर स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बोर्डमस थ्योरी से पहले प्लस को किया है देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट उसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे इनको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे 126 से −32 करने के बाद तब जाके 16 कर ऐड करते हैं जो क्या है एब्सोल्युटली राइट है रॉन्ग है हमें 126 से −32 पहले नहीं करना है क्योंकि ये हमारा जो बोर्डमास थ्योरी है जो बोर्डमास का रूल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा वो रॉन्ग हो जाएगा सबसे पहले हमें क्या करना है एडिशन वर्क करना है और उसके बाद तब जाके हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट वंस अगेन 74 और 126 से 16 को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो 6 6 12 2 and 1 carry 2 1 3 and 1 carry 4 हो गया and 1 142 and −32 is it clear क्या किया हमने 74 (142 − 32 अब हम यहाँ पे लिखेंगे 74 क्या लगेगा यहाँ पे 142 से यहाँ पे 142 से 32 को माइनस करेंगे तो 0 1 and 10 क्लियर है और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 113 हो गया अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग वर्क करना है जैसे मैं कल लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो क्वेश्चन उसी तरह का ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया है अब हमें इसे भी सॉल्व करना है मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 74 100 + 10 क्लियर है 74 (100 + 10 अब इस 100 का मल्टीप्लाई हम 74 में करेंगे और 10 का भी मल्टीप्लाई हम 74 में करेंगे मींस
74 multiplied by 100 and plus once again 74 multiplied by 10. Clear? Next, देखिए 74 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 लिखने के बाद डबल जीरो ऐड कर देंगे एंड प्लस 74 का 10 में करेंगे तो 74 के बाद 10 ऐड कर देंगे. क्लियर है? अभी दोनों नंबर को ऐड कर देंगे मींस 7400 एंड प्लस 714 इज इज इक्वल टू रिवर. देखिए अब क्या कर रहे हैं, 0 से 0 को डाउन कर देंगे 404 74 11 एंड 1 कैरी 7 एंड 1 8. नाउ डियर स्टूडेंट your answer is 8140. Is that clear? 8140 is the correct answer. आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि जो भी डाउट हो वो डाउट दूर हो सके. डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया है उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है. जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उसी तरीके का ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है. ओके तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा. हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 673 मल्टीप्लाई बाई 86 एंड प्लस अनदर ब्रैकेट में 673 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड माइनस 673 मल्टीप्लाई बाई 60. इसमें हमें सॉल्यूशन करने से पहले हमने चेक किया, देखा कि सभी ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है जो सब में दिया गया है. वो नंबर क्या है? 673. तो 673 को हमने कॉमन निकाल करके एक तरफ नंबर को लिख कर दिया है, बाकी जो ब्रैकेट में नंबर बचे हैं हम उसे राइट करने का प्रयास किए हैं. 86 को हमने वैसे ही ड्रॉ कर दिया है, प्लस 24 को भी हमने डाउन कर दिया है और माइनस 60 को भी हमने ब्रैकेट में वैसे ही राइट कर दिया है. नेक्स्ट हमारा वर्क होगा, दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में हमें दो डिफरेंट साइन दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा प्लस है और दूसरा हमारा माइनस है. तो सबसे पहले आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्लस का ही काम करेंगे माइनस का नहीं. तो हमने यहाँ पे प्लस किया 86 प्लस 24 इज इक्वल टू 110. अब हम 672 ब्रैकेट 110 माइनस 60 वह हमारा सेकेंड वर्क हो जाएगा वो माइनस का होगा. तो 110 से हमने 60 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 50. अब 673 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 33650 एंड इट इज योर आंसर. एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज 74 मल्टीप्लाई बाई 126 माइनस ब्रैकेट 74 मल्टीप्लाई बाई 32 एंड प्लस 74 मल्टीप्लाई बाई 60. इसे भी हम सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान देंगे कि सभी ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर है जो सब में है जिसे हम कॉमन लेना चाहते हैं. वो नंबर क्या है? 74 है. क्योंकि 74 यहाँ पे भी है, 74 हमारा यहाँ पे भी है और 74 हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ है. अब हम दोनों तीनों नंबर तीनों ब्रैकेट में जो 74 है उसको हम कॉमन ले लेंगे और एक तरफ कर देंगे. बाकी के जो नंबर जो ब्रैकेट में बने हैं उसी तरीके से हम उसको नेक्स्ट स्टेप में डाउन कर देंगे. जैसे 126 माइनस 32 एंड प्लस 16. डियर स्टूडेंट उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे नंबर को ऐड किया है उसी तरीके से 126 को 16 से हम ऐड कर देंगे एंड देन आफ्टर जो सब नंबर आएगा उसे 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा 126 प्लस 16 इज इक्वल टू 142 माइनस 32. 142 माइनस 32 इज इक्वल टू 110. So 74 मल्टीप्लाई बाई 110. अब 74 ब्रैकेट 110 ब्रैकेट के बाहर अगर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई की ही साइन आएंगे, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं 74 मल्टीप्लाई बाई 110. अब हम ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में वही क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया है. 74 110 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 100 प्लस 10. 100 का मल्टीप्लाई हम 74 में करेंगे और 10 का भी मल्टीप्लाई हम 74 में करेंगे. यदि 74 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7400. ओके आसान है, मल्टीप्लाई हम ओरल करेंगे. यहाँ पे देखेंगे किसी भी डिजिट में अगर हम 100 का या 10 का या 1000 का ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट उस जिस डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं उसमें कितने जीरो है वही हम नंबर उसमें ड्रॉ कर देते हैं उतने जीरो. जैसे 74 का 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने 2074 में इंक्लूड कर दिया. वैसे 74 का 10 भी किया तो 10 यहाँ पे दिया है तो 10 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. दोनों नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है. 7400 प्लस 740 इज इक्वल टू 8140 एंड 8140 इज योर आंसर.
सो डियर स्टूडेंट आई होप क्लियर टू एवरीवन, ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए रखे हैं, आप उन्हें उसमें फाइंड आउट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें, हम कमेंट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ के डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।